उनकी हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट और उनकी ग्लोबल प्रेसिडेंट बिग बॉस का सुपर हीरो स्वामी ओम जी मेरा नाम है। अभी आप हाईकोर्ट पे जो आए हैं ये किस मुद्दे के लिए आप आए हैं? देखिए अभी गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ में 5 और देशद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री की हत्या का ये लोग साजिश रच रहे हैं और उसकी हीरिंग आप ये देखिए कि हमारे राम मंदिर, भगवान राम के मंदिर के निर्माण की हीरिंग तो डिली नहीं होती, लेकिन इसको बिना किसी ऑब्जेक्शन का इसका पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया गया और कल भी हीरिंग हुई, उसमें उसको ATS के हवाले करने के बजाय इन्होंने उसको नज़रबंद दिल्ली में कर दिया है और अभी ये उनसे रिश्वत खा करके अभी ये उसको जमानत देने की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं नहीं होने दूंगा। नहीं तो आप कैसे उनको नक्सलवादी बोल रहे हैं? हमारे पास सारा सबूत है। आप ये देखिए कि हमने एक किताब लिखी हुई है देशद्रोही अरविंद केजरीवाल की, नक्सलवादी ईसाई आतंकवाद, ये वही लोग हैं और उसमें हमने ये सारे नाम दे रखे हैं। ये आप ये देखिए कि जुडिशरी भी बिक गई है। पहले इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश खेर ने तीस्ता शीतलवार को टेलीफोन पर जमानत दे दिया, ये विनायक सेन को जमानत दे दिया, GN साहेब बाबा को 2-2 बार जमानत दे दिया, जो अभी आजीवन कारावास भुगत रहा है नागपुर जेल में। तो ये लोग इस तरह से इस देश को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। मैं इन दोनों जगहों से मैं अपील करता हूं कि आप इनको फौरन ATS के हवाले करें और ATS से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप या तो इनको इनकाउंटर कर दें, कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, या नहीं तो आप इनको जेल में रखें, इनको सजाए मौत दें और यदि नहीं देंगे तो जेल में घुस करके मैं गोली मारूंगा, ऐसे आतंकवादियों को मैं हिंदुस्तान जिंदा नहीं रहने। मेरा नाम मुकेश जैन है। मुकेश जी, यहाँ पे हाईकोर्ट पे जो आप आए हैं गौतम नवलखा की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए मेरा कहना है कि गौतम नवलखा का जो मास्टरमाइंड था, जो सबसे पहले रोना जैके विल्सन नाम के एक ईसाई को पकड़ा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने मामले में, उसमें हमने कहा था कि ये रोना जैके विल्सन सरकार को लिखा था, सबूत भी दिए थे कि जो संस्था चलाता है अमित भट्टाचार्य जिसका चीफ है, ये सारे के सारे अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर काम करते रहे हैं और हमने सरकार से अनुरोध किया था कि अरविंद केजरीवाल को आप गिरफ्तार करो, जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश में शामिल लोग हैं इनका मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल तय करता है कब नक्सली आतंकवादियों को, सैनिकों का मारना है, कब उनको जमानत पर छुड़वाना है और कब उनको घर में घुस जाना है। उसमें हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था। अब आप देखिए कि कल इसको गौतम नवलखा को पकड़ा और हाई कोर्ट ने तुरंत उसको नजरबंद के आदेश दे दिए। ये जज इन देशद्रोहियों के लिए खाली बैठे हुए हैं, चाहे वो तीस्ता शीतलवाड़ हो, चाहे विनायक सेन हो। आपका डिमांड क्या है वो बताओ? हमारी डिमांड यही है कि इनके इस हत्याकांड के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इस गैंग को पकड़ा जाए और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के मामले में इनकाउंटर किया जाए। इनके ऊपर कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है।